नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। देश के सबसे वीवीआईपी पेड़ बोधि वृक्ष तक पहुंचने के लिए भोपाल विदिशा हाईवे से पहाड़ी तक पक्की सड़क भी बनाई गई है। पूरी पहाड़ी को बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए आवंटित किया गया है। पेड़ इतना अहम है कि हर 15 दिन में इसका मेडिकल चेकअप होता है। इस यूनिवर्सिटी के अकादमिक परिसर में तकरीबन 60 से अधिक किस्म के फूल लगे हैं। फूलों के अलावा यूनिवर्सिटी में औषधीय गार्डन भी डेवलप किया गया है। बोध वृक्ष को 21 सितंबर 2012 को श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे और भूटान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जिग्मी योजर थिंगले ने रोपा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। माना जाता है कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को बोधि वृक्ष की एक टहनी देकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। उन्होंने वह बोधि वृक्ष श्रीलंका के अनुराधापुरम में लगाया था, जो आज भी मौजूद है। उसी पेड़ को सांचे बौद्ध विश्वविद्यालय की जमीन पर लगाया गया है। मौसमी प्रभाव और कीटों की जद में आने के कारण फरवरी 2020 में यह पेड़ बीमार पड़ गया था। पत्तियों में काले छेद होकर सूख रही थी और तने में कई छिद्रों से कीड़ों ने अंदर प्रवेश कर लिया था। बताया जाता है कि इंसानों की तरह इंजेक्शन और ड्रिप लगाकर उपचार किया गया था। यह पेड़ धरोहर सांची से 7 किलोमीटर दूर सलामतपुर के पास पहाड़ी पर लगा है। सांची नगर परिषद, पुलिस, राजस्व और उद्यानिकी विभाग लगातार इस पर नजर रखते हैं। इस पेड़ का एक पत्ता भी गिरता है तो प्रशासन टेंशन में आ जाता है। इसी यूनिवर्सिटी के परिसर में ऐसे पेड़ों को लगाया गया है जिनका अलग अलग धर्म और दर्शन में पीपल, बरगद और समी के पेड़ों की किस्मों के साथ साथ पाम के वृक्ष, क्रिसमस ट्री, खजूर के वृक्ष इत्यादि पेड़ों की प्रजातियों को सांची विश्वविद्यालय ही ग्राफ्ट कर तैयार किया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज।